कासिम साहब, कल का मैच तो आपने देखा, लेकिन आज का मैच जो हमने देखा, इंडिया ने टोटली जो है बिल्कुल आउटक्लास कर दिया वेस्ट इंडीज़ को। आज मतलब इस इंडियन टीम, पहली दफ़ा हम गालिबन देख रहे हैं कि इंडियन टीम की बॉलिंग इतनी डेप्थ और इतनी मतलब वैरायटी वाली बॉलिंग हम देख रहे हैं इंडिया की, शायद कि स्पिन में भी स्ट्रांग है, पेस में भी स्ट्रांग है, और ऑलराउंडर्स भी उनके पास, पांड्या जैसा ऑलराउंडर है, जडेजा जैसा एक जेन्युइन ऑलराउंडर पर बाहर बैठा हुआ है, तो इंडिया सीम्स टू बी इन अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन। मैं, आपने अपने इंट्रो में सही बात कही कि जो सब लोग कह रहे हैं कि फेवरेट है इंडिया, उसकी वजह यही है कि कल का मैच देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैटिंग में, बॉलिंग में, दे आर एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग। आज का मैच होता है जी, आज इवन थ्रू आउट टूर्नामेंट, इसमें ऐसा है कि इंडिया की बॉलिंग में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैटिंग में सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले चार पाँच बैट्समैन ज़रूर रन्स करते हैं, 40-50, कुछ 75 करता है, कुछ 60, तो इस तरह है कि टीम कॉम्बिनेशन उनका बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ कि लोएस्ट स्कोर भी होता है तो उनको परेशानी कोई नहीं है। वो दो तीन मैच में इन्होंने 270-280 किया है, मगर आसानी से उन्होंने मैच जीत लिया, तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया जो है वो एज ए कम्बाइंड यूनिट खेल रहा है, इसलिए ज़्यादा उसकी वजह। और वेस्ट इंडीज़ ने ख़ास तौर पर, सिवाय हमारे मैच के, मेरा ख्याल है कि कहीं पर भी ऐसा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं दिया कि मैं कहूं कि हाँ जी, ये वर्ल्ड कप में कोई आगे जा सकते हैं, तो इसलिए उनको हराना कोई बिग डील नहीं था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, वो तो खैर, वो इंडिया वाज, मगर अपेरेंटली मैं समझता हूं कि कोई मैच ना वेस्ट इंडीज़ को या लूज हल्की टीम को भी खेलना है तो टाइट खेलना है, ये हमें लेसन मिला है उनसे। लेकिन सवेरे अगर हम जैसे मैच की पोजीशन को देखें, अगर हम मैच समरी भी देख लें, तो एक चीज़ तो वाज है इस मैच में कि जैसे लोग बड़ा एक मतलब जो कुछ लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं काफ़ी क्लोजली, वो थोड़ा सा उनको ये समरी है मैच की, तो आप देखें इसमें इंडिया ने 268/7 किए। अब वही वाला सिलसिला कि यहाँ आज भी पिच इतनी आसान नहीं थी और इंडिया ने पुश नहीं किया। आई थिंक पहले ही उन्होंने अपना जहन, उनको क्लियर था कि यही टोटल हमारा विनिंग टोटल हो सकता है। तो अगर हम टेम्पलेट को देखें तो 268/7, जिसमें कप्तान कोहली 72 मतलब ऐसी इनिंग्स थी जो बड़ी स्टेडी इनिंग्स थी, एंड उसके बाद फिर MS धोनी 56 नॉट आउट, और फिर राहुल ने ऊपर से 48 किए, लेकिन इसमें हार्दिक पांड्या ने आके एंड में एक अच्छी कैमियो इनिंग्स खेली। कुमार रोश ने 3 विकटें हासिल की, होल्डर ने 2 विकटें हासिल की, और कॉटरेल ने 2 विकटें हासिल की। लेकिन जो प्रॉब्लम आई है मुझे लगता है सवेरा, वो ये आई है कि ये जो विकटें जो ली गई हैं, ये मतलब बहुत वक्फे से ली गई है। दूसरा, शुरू में उतने इंडोर्स नहीं कर पाई वेस्ट इंडीज़ जितनी को करना चाहिए था, हालांकि रोहित जल्दी आउट हुए। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ मतलब जो है वो 143 में आउट हो गई सिर्फ 35वें ओवर में। अच्छा भाई, जब हम इसमें पुरान के सबसे हाईएस्ट है जो समरी हम देख रहे हैं और उसमें 268 दिख रहा है, ये 268 इतनी आसानी से नहीं बनी। इनिशियली जो है अच्छी बॉलिंग दिखी वेस्ट इंडीज की तरफ से, इनिशियली वेस्ट इंडीज ने अच्छी बॉलिंग की, इम्पैक्ट क्रिएट किया, बीच में फिर वो लूजन अप हुए जहां उनको जैसे अर्ली ऑन विकेट मिल गई थी, उसके बाद वो लूजन अप हुए, फिर उसके बाद जब कोहली जहां आउट हुए वहां से फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था इंडिया के ऊपर, उस प्रेशर को आके जो है वो धोनी ने काम डाउन किया और धोनी ने फिर उसको फिनिश किया। और इतना कन्विंसिंग धोनी जिस वक्त आए बैटिंग करने, उस पर कोहली बैटिंग कर रहे थे, एंड आई थिंक उस वक्त जडेजा जब आउट हुए थे, बड़ा अच्छा रिव्यू लिया था वेस्ट इंडीज ने, लेकिन आई थिंक धोनी जब आए तो कोहली को एक, आई थिंक ये एक बड़ा एक उसको एज अ कैप्टन एडवांटेज होता है कि उसको पता होता है कि धोनी इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, रिलायबल है, इतना रिलायबल है कि उसको पता है कि एंड में आके वो जहाँ जरूरत पड़ेगी तेज 15-20 रन की तो वो कर जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज अगेन व्हाट हैपेंड टुडे, कि धोनी ने फिर एंड में आके पांड्या ने भी रन किया और फिर उन्होंने अपना जो टारगेट सेट किया था किया था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो हम कह रहे हैं कि मतलब वेस्ट इंडीज ने जैसे आपने कहा बॉलिंग अच्छी की, लेकिन मुझे एक फीलिंग ये आ रही है गुलाम अली के जिस टाइप की अब यहाँ कंडीशन हो रही हैं, पिचेज हो रही हैं, आई थिंक बॉलर्स को अब विकेट्स लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब बैट्समैन तकरीबन सारी टीमों के, मां सिवाय इंग्लैंड के हमने देख लिया है कि और न्यूजीलैंड, बाकी सारी टीमों ने एक सेफ अप्रोच वाला मतलब वो रखी है, मैंने स्ट्रेटेजी निकाली है, मतलब वो विकटें नहीं दे रहे शुरू में, रिस्क नहीं लेते, तो आई थिंक यहाँ पर अब आपको बॉलर्स को मतलब लेनी पड़ेंगी विकटें, मतलब दे कांट जस्ट वेट एंड सेट एंड वेट कीजिए, अब बैट्समैन गलती करेगा। इस वर्ल्ड कप में अब तक जो मैचेस खेले गए ना, हर तरह की पिच मिल गई आपको, प्योर बैटिंग विकेट भी, ग्रीन विकेट भी, टर्निंग विकेट भी, डबल पेस पिच भी। अब जो पिचेस हमने पिछले एक दो मैचेस से देखे हैं, उसमें ना सिर्फ बॉलर को विकेट लेनी पड़ेगी बल्कि बैट्समैन को भी मेहनत से रन बनाने पड़ेंगे।
तो इस तरह की भी पिचेज होती हैं जहाँ दोनों के लिए मुश्किल होती हैं, क्योंकि जब डबल पेस पिच हो जाती है जहाँ गेंद थोड़ा सा सम टाइम रुक के आती है या स्किड कर जाती है, तो वहाँ पे एक बॉल होती है जो आपको ट्रबल करती है, वो कोई सी भी बॉल पड़ सकती है आपको, या गेंद रुक जाएगा या स्किड कर जाएगा। जैसे शामी की एक बॉल मैं देख रहा था जो सीम हुई है इस पिच पे, जो कि सीम नहीं हो रही थी, गेंद स्पंजी सा जा रहा था, गेंद कट हुई, स्लॉट में पड़ी, गेंद कट हुई और बोल्ड हो गए वो इनके जो इनफॉर्म बैट्समैन है शॉन, क्या नाम था उनका, शेन जो वंडावना था, शायोप। तो जो आप विकेट का कह रहे हैं कि यहाँ बैट्समैन को मेहनत करनी पड़ेगी रन बनाने के लिए, उसकी वजह खान साहब पता है क्या है, इंग्लैंड में बारिशें इतनी हुई हैं, स्क्वायर कवर थे, पानी दिया नहीं गया, कि जो पिच को एक बाइंडिंग चाहिए होती है, वो डर के मारे कि कहीं मॉइस्चर बहुत ज़्यादा ना हो, मैच ख़राब ना हो जाए। अब जिसकी वजह ड्राइनेस बहुत है पिच में, ऊपर आपको ग्रीन भी नज़र आ रहा ना था, लेकिन नीचे जो है ड्राई बहुत है, जो क्ले है वो बहुत ड्राई है, जिसकी वजह से वो डबल पेस पिच चल रही है, टर्न स्पिनर को भी हेल्प मिल रही है, फास्ट बॉलर जब कटर मार रहे हैं तो उसमें उनकी गेंद ब्रेक हो जा रही है। तो अब बैट्समैन के लिए भी इतना आसान नहीं है आप कि 300 रन आप बनेंगे अगर इसी तरह की कंडीशन रही। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा प्रॉपर शावर देके अगर बाइंड करके अगर रोलर वोलर करके पिच बनाए तो हो सकता है अच्छी पिचेस बन जाए, लेकिन अगर यही डर खौफ के साथ पिचे बनाएंगे तो वेन्यूज उस पर दो दो जैसे लॉर्ड्स पे अब हैं मैचेस आपका, अब डरहम में जाके दो मैचेस है, श्रीलंका के अगले दो मैचेस है, टाइम मिलता नहीं है इनको। लेकिन एक बात एक बार भी, मतलब वर्ल्ड कप का जो एक मज़ा होता है वो यही होता है, आई थिंक जो वेरिएशन होती है पिचेस में कंडीशंस में वो एक टेस्ट होता है हर टीम का। इंडिया का बड़ा बात होती है, इंडिया के बहुत लोगों ने ये चीज़ पॉइंट आउट की कि इंडिया का अगर जैसे ऊपर से, अब तो धवन भी क्योंकि इंजर्ड हो गया, तो अगर ऊपर से शर्मा जल्दी आउट हो जाता है या राहुल जल्दी आउट हो जाता है या कोहली जल्दी आउट हो जाता है तो उनकी मिडिल ऑर्डर टेस्टेड नहीं है। आज भी उनकी मिडिल ऑर्डर, मतलब जयदेव भी जल्दी आउट हुआ, मतलब कैसे बोलते हैं, शंकर भी जल्दी आउट हुआ, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बाद जो धोनी की प्रेजेंस है नीचे और पांडे की जो प्रेजेंस है वो बड़ा एक एज है इंडिया को, मतलब दीज टू सीम टू ऑर्डर जो है ना इनका बहुत स्ट्रांग है, और वो ऐसा है कि जो खुला खेलता है वो फंस के नहीं खेलते, वो इस जब इनकी बारी आती है तो या तो 8 ओवर होते हैं या 7 ओवर होते हैं, वो उस ओवर में वो उन्होंने पिकअप करना होता है और उसको स्कोर रेट को बढ़ाना होता है और वो उसमें कामयाब है। धोनी का एक्सपीरियंस इतना है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और धोनी मतलब क्राइसिस में भी हमने देखा, जैसे पांडे को इस टूर्नामेंट में 2-3 दफ़ा कोहली ने ऊपर प्रमोट करके बुलाया 4 पे, काफ़ी ओवर्स थे लेकिन उसने आके फिर भी बहुत चीनिंग्स खेली। धोनी भी आज भी जब आया, धोनी तो ओवर्स थे काफ़ी खेलने के लिए, लेकिन ही प्लेड अ वेरी मतलब सेंसिबल इनिंग्स ऑफ 56। और अब मुझे ये लग रहा है बल्बे कि इस टूर्नामेंट में ना एक फील आ रही है कि की जो है वो सिर्फ ये है कि टीम कितनी कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, बस एग्जैक्टली हमें बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि इंडिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब देख लीजिए आप धोनी की बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट को देख लें, ये सारे जो है एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो है वो बड़े इत्मीनान से खेल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि एक नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। और जो जहाँ जहाँ नए प्लेयर आए हैं, जहाँ जहाँ इन एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, आप देखिए उनके अंदर या तो घबराहट है या तो कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं या कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करें, एक आध मैच करते हैं फिर नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी नहीं है इनके अंदर। तो इस लिहाज से ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो एक्सपीरियंस है उसका कोई नेमर बदल नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरा मतलब बॉलिंग बहुत साथ दे रही है, मतलब इंडिया की अगर आज 268 की बात करें तो इंडिया शायद ज्यादा बना लेती वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, बट वो उतना नहीं बना सके जितना इनिशियली एक्सपेक्टेड था। बट जिस तरह बॉलिंग साथ दे रही है इंडिया की, बॉलिंग इस दफा जो है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी है, ज्यादा थे बल्कि आज मतलब मैं देख रहा था एक बड़ी अच्छी बात, मतलब सारे कमेंटेटर तकरीबन यही कह रहे थे कि एट पार टोटल है और मतलब आसान नहीं होगा, लेकिन संजय मदरकर ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि एट पार भी नहीं, मुझे लग रहा है कि देखना ही है कि वेस्ट इंडीज कितने करीब इस टोटल के आएगा, क्योंकि जो इंडिया की बॉलिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। एंड ही वाज राइट बिकॉज़ दे डिडंट इवन कम क्लोज टू दैट इवेंट में, दे हैव बीन रिमार्केबल द बॉलिंग, जो 143 पे आउट हो गई इंडिया। और दूसरा मतलब जो मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा था ना सवेरा, अब देखिए पाकिस्तान ने भी एकदम से जो रिसर्जेंस हुई है पाकिस्तान की, 2 मैच जीता है साउथ अफ्रीका से, यू कैन सी के बॉडी लैंग्वेज में एक सेल्फ बिलीव नजर आ रहा है। कल नजर आ रहा था कि बाबर और इवन जब हफीज बैटिंग कर रहा था, इवन जब हारिस आया बैटिंग करने के, दे वांटेड टू विन, एंड दैट्स दी आई थिंक इफ यू गो बाय बॉडी लैंग्वेजेस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑस्ट्रेलिया इंडिया टॉप और आप पाकिस्तान को भी मैं काउंट करूंगा इसलिए इन तीनों की बॉडी लैंग्वेज सच के लगता ही नहीं कि जैसे आप ये मैच मतलब ये हारने के मूड में, फियर फैक्टर कोई नहीं, हाँ फियर फैक्टर नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया स्पेशली
ऑस्ट्रेलिया हैज बीन रिमार्केबल। जैसे आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कल जो है वो न्यूजीलैंड हार गया तो इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ, मगर कल न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज कुछ शेकी थी थोड़ी सी। जैसे ही मतलब आपको टॉस से या जिस वक्त एंथम जोर होते हैं उस वक्त भी आपको अंदाजा हो जाता है बॉडी लैंग्वेज का, किस तरह टीम की बॉडी लैंग्वेज है। और कल वाकई कुछ था, आई डोंट नो क्या था, मगर न्यूजीलैंड की भी बॉडी लैंग्वेज पास रिकॉर्ड उनका ऐसा है, मतलब पाकिस्तानी के हिसाब इन इन वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो होता होता है। हिस्टोरिकली दे हैव नेवर डन वेल अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप्स, मतलब दे ऑलवेज मतलब उनको मुश्किल होती है पाकिस्तान से। लेकिन एक बात जरूर है कि मतलब कंडीशंस अगर आपके पास अच्छे भी हैं बॉलिंग के, आई थिंक जो एक्सप्लॉइट करना है उन कंडीशंस को वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शामी ने जिस तरह बॉलिंग की है, खास करके 4 विकेट ने फिर ली उसने सेकंड मैच में, ही प्लेड इन द लास्ट मैच जिसमें उसने हैट्रिक लिए सिर्फ इस वजह से कि भूवी अनफिट था, आज उसको खिलाया ओवर भूवी और आज उसने फिर 4 विकेट लिए। एंड ही बोल्ड रियली रिमार्केबली, मतलब जिस तरह उसने पिच को रीड किया हुआ था, कटर्स भी कर रहा था और मतलब स्टंप टू स्टंप कॉरिडोर में उसकी जो हैमरिंग और डिलीवरी एक्शन है ना, बड़ा कमाल है उसका, जो बॉल का रिलीज पॉइंट है उसका, वो जो गेंद जो उसका जिसे कहते हैं ना बॉल की रिलेशन, जो जब गेंद पड़ती है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल जो वो हिट करता है सीम हिट करता है और जहाँ से उसको कट होती है उसकी बॉल ना। और तेंडुलकर बड़ा फैन है इसकी बॉलिंग का उसकी, हाँ बहुत फैन है और वो चाहता है कि शामी मैक्सिमम मैचेस खेले, तो डेफिनेटली उसकी जो बॉलिंग में जो विकेट ले रहा है उसकी खसूसियत है बॉलिंग की, वो कैसी भी पिचो उसके एक्शन की वजह से उसके रिलीज पॉइंट की वजह से उसको हेल्प मिल जाती है, क्योंकि ज़्यादातर हिट होती है उसकी सीम तो इसकी वजह से उसको हेल्प मिलती है। तो लेकिन बहरहाल देखें, इंडिया ने जो अपने सिलेक्शन के स्टैंडर्ड जो हाई रखे ना, चाहे वो बॉलर हो स्पिनर हो, चाहे हालांकि अश्विन और जडेजा बुरे बॉल नहीं कर रहे थे लेकिन रिस्ट स्पिनर लाए क्योंकि अश्विन तो मतलब खैर काफी टाइम हो गया ना। नहीं, टीम की देखें स्ट्रेंथ का एक सबसे ज्यादा जो पता चलता है वो वहां से चलता है कि आप ये जहन में रखें कि इंडिया इस वक्त प्लान बी पे है, यानी धवन उनका प्लान ए था जो नहीं है, भूवी उनका प्लान ए था जो नहीं है, तो ये दो नहीं, लेकिन आज तो दे प्रेफर्ड शामी ओवर भूवी, आज इट वाज नॉट अ केस ऑफ फिटनेस। प्लस मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे जडेजा को उन्होंने टीम में स्क्वाड में है जडेजा, लेकिन उसको स्टिल ही इज नॉट फिट, अभी भी आज भी वो अवेलेबल नहीं थे मैच के लिए। जडेजा जो है वो भी स्क्वाड में है और वो भी एक बड़ा टॉप ऑलराउंडर है, बट उसको भी अभी तक मौका नहीं मिला खेलने का। तो आई थिंक उनके पास जो टैलेंट है वो इतना टैलेंट है कि मतलब राइट नाउ उनका डेप्थ इतनी है कि अगर ये फीलिंग आ रही है, अगर इंडियन क्रिकेट सपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, तो आई डोंट थिंक कि वो गलत कह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब तक अनबीटन सिर्फ इंडिया ही रह गई है, जितनी कंपोज है वो टीम तो लगता तो ऐसे। एक चीज और बात देखिए, इकबाल भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 1.25 अरब की आबादी है और क्रिकेट वहां का नंबर 1 गेम हो गया है, पैसा इतना मॉल हो गया, इनको भी फाइनल में पैसा नहीं हराएगा। बिल्कुल कैसे, बिल्कुल नहीं। इसमें थोड़ी सी बात और भी ये भी ऐड कर ले कि जो उनके प्लेयर खेल रहे हैं, आप उनका जो अप्रोच है वो देखें, गेम टूवर्ड्स द गेम, वो राइट आर्म लेग स्पिनर हो चाहे उनका, चाहे इनका शामी बॉलर है, इसकी स्पीड भी है, मगर आप देखें वो टारगेट नहीं छोड़ता, बॉडी लैंग्वेज उसका आप कह लें कि ऐसा होता है कि बिल्कुल अटैक करेगा और कोई बॉल राइट ना लेफ्ट, सीधा टारगेट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आर्म लेग स्पिनर उनका, उसने एक आप चौका भी मार दें तो वो छोड़ता नहीं, जगह नहीं छोड़ेगा, डिसिप्लिन्ड है बहुत, बहुत डिसिप्लिन्ड यूनिट है। उनको पता है ये इंडिविजुअल प्लेयर का काम है कि उसको जो जॉब दिया गया है वो उसके मुताबिक गेंद करता है, और कैप्टन को देखें आप उनको किस तरीके से वो हैंडल कर रहा है, फील्डिंग को देखें कैसे सपोर्ट कर रही है, तो ये चीज़ जो है ये साथ खेलने से आती है, कंसिस्टेंसी के साथ। उन्होंने चॉपिंग नहीं की हुई है, उन्होंने सबको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको खिला लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है कि हम चॉपिंग करते हैं और तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बैट्समैन जो है वो बेचारा जब खेलने